तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। ये सूजी वाला मोमोज है, मैंने बनाया है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ इसको हस्बैंड को देने के लिए। तो मॉर्निंग का टाइम है, देव को छोड़ के आ चुकी हूँ और काम मेरा बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है जब तक ये दोनों नहीं जाते हैं। चारों तरफ बिखरा पड़ा रहता है। तो ये एक पार्सल आया था और ये पार्सल ना हमने देखा नहीं, जब रिसीव किया तो इस तरीके से खुला हुआ था। तो कुरियर जो करते हैं उन्हीं को पूछने से पता चला कि वो बोल रहे थे कि फट गया होगा, पर पता नहीं सच है या क्या है, ये तो पता नहीं हमें। यहाँ पर मैं बना रही हूँ यहाँ मशरूम की सब्जी। तो मशरूम मैंने इस तरह 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ऑयल में मैंने पंचफोरन डाला है और पंचफोरन डालने के बाद अदरक और मिर्च को अच्छे से कूट लिया है। और उसको अच्छे से भुनने के बाद मैंने यहाँ पर तेज पत्ता भी डाला था। तो वो डालने के बाद मैंने यहाँ पर सारे जितने भी मशरूम थे सभी को डाल लिया है। फ्राई कर लेंगे अच्छे से। सॉल्ट स्वाद अनुसार सॉल्ट देने के बाद इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. तो एक तरफ मैंने छुई को दूसरे साइड करना था और इधर साइड मशरूम भी हमारा फ्राई हो चुका था, तो इसमें मसाला वगैरह देना था। तो मैंने दूसरे साइड छुई को कर लिया है और ये फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च डाला है। शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और एक ही साथ दोनों को देने से ना इसका जो शिमला मिर्च का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट डाला, इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड किए थे मैंने, और जितना भी जो भी नॉर्मल घर में मसाला मैं ऐड करती हूँ वही मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। एक है मिक्स मसाला और एक है हल्दी का पाउडर जो नॉर्मल है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाती हूँ मैं। तो अच्छे से 2 मिनट चलाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो ग्राइंडर जार में लगे रहता है टमाटर वगैरह वही थोड़ा सा पानी उसमें डाल के दिया है। और देने के बाद जितना ज़रूरत अनुसार पानी चाहिए उतना दे दिया है। तो लगभग हमारा यहाँ पर हो ही गया है। We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. तो सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पर करील बना रही हूँ। और करील किस किस को पता है ज़रूर बताइएगा। ये खाने में थोड़ा सा खट्टा लगता है, हल्का सा खट्टापन रहता है, और इसकी अचार भी बनाई जाती है। और ये जो हमारे होते हैं ना बम्बू, बम्बू से निकलता है
इसका इसको क्या बोलते हैं, कच्चा बम्बू बोलते हैं, उसी से ही निकलता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा खट्टापन रहता है इसमें, टमाटर वगैरह करी भी बनता है इसका। तो मैं सूखा भुंजिया बना रही हूँ इसका, तो इसका ज़्यादा मसालेदार मैं नहीं बना रही हूँ, बस नॉर्मल सा यहाँ पर हल्दी डाला है, उसके बाद थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको ढक के पका लेंगे, तो ये जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो टमाटर वगैरह भी डालते हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं डाला है, बस नॉर्मल सा मसाला डाल के बना रही हूँ। तो ये हमारा करेल का जो सब्ज़ी है, या फिर भुंजिया बोल सकते हैं, वो तैयार हो गया है और लगभग हमारा लंच तैयार ही हो गया है। लास्ट में मैंने यहाँ पर पापड़ की तैयारी करना है, बस ये तैयार हो जाए उसके बाद। स्कूल से आने के बाद, खाना पीना करने के बाद थोड़ा देर ये ड्राइंग करने लग गया था और ड्राइंग थोड़ी सी उसकी ख़राब होने लगी है, क्योंकि बीच में उसका अच्छा होने लगा था, फिर गर्मी छुट्टी आ गया। गर्मी छुट्टी में बहुत सारी मस्ती हुई, 2 महीना एकदम छुट्टी मिला था और उस बीच में, और अभी मतलब 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन ही क्लास होता है और थोड़ा सा कम ध्यान देने लगा, इस वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ होता ही है। तो साथ में मैंने यहाँ पर खाना तो हो गया था, ये लगभग सो के उठने के बाद का ये है, अमरूद मैंने गांव से लाया हुआ था, तो उसी को मैंने हल्का सा सॉल्ट लगाया और हल्की सी मिर्च लगा के सभी को दूंगी और हम भी इंजॉय करेंगे। और सच में अभी मैं देख रही हूँ ना, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना, मतलब खाने मन करती है, मतलब खाने के बाद थोड़ा बहुत। तो अभी शाम का टाइम है और हम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, देव अपना पियानो में व्यस्त है। तो इसका जो ब्लॉग है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा और आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ मैं कुछ ढूंढ रही थी और देव ने कुछ खुरापाती की हुई थी, तो उसको दिखा रही थी मेरे चीज़ों के साथ। तो यहीं पर आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।